श्रावस्ती से आपको दिखा रहे हैं, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया, वहां का निरीक्षण किया। इसी के साथ क्या कुछ कह रहे हैं वो भी आपको सुनवाते हैं। बाढ़ राहत कार्य का निरीक्षण में मेरे साथ यहां पर उपस्थित प्रदेश सरकार के जल शक्ति मंत्री श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, विधान परिषद के माननीय सदस्य श्री पदम सिंह चौधरी जी, डॉक्टर प्रज्ञा त्रिपाठी जी, माननीय विधायक श्रावस्ती श्री राम किरण पांडे जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रावस्ती श्री दत्तन मिश्रा जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रावस्ती श्री उदय प्रकाश त्रिपाठी जी, जिला अध्यक्ष बीजेपी उदय प्रकाश त्रिपाठी जी, आज के इस कार्यक्रम में यहाँ पर उपस्थित सभी बाढ़ से संबंधित पीड़ित परिवार के सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, अन्य महानुभाव, 6 और 7 जुलाई को अचानक नेपाल के अंदर और उत्तराखंड के अंदर भारी बरसात के कारण जल प्लावन की सी एक स्थिति पैदा हुई। पहली बार जुलाई प्रथम सप्ताह में बाढ़ देखने को मिली। अक्सर इस क्षेत्र में बाढ़ और राप्ती नदी में और सरयू जी में बाढ़ अगस्त के अंत तक या सितंबर तक देखने को मिलती थी। इस बार ये बाढ़ पहली बार जुलाई प्रथम सप्ताह में देखने को मिलते हैं और स्वाभाविक रूप से इससे न केवल तैयारियां प्रभावित हुई बल्कि लोग भी जो नदी के किनारे रहते हैं उन लोगों के सामने भी तमाम संकट खड़े हो गए। लेकिन विपरीत परिस्थितियों में भी धैर्य न खो करके कार्य करना, जैसे आपने देखा होगा 11 लोग एक टापू में फंस गए थे, अचानक राप्ती नदी में पानी आ गया और धैर्य खोए बगैर महिला और बच्चों की 11 लोगों की वो टोली अपने मोबाइल फोन का इस्तेमाल करके 118 पर उन्होंने फोन कॉल किया, डायल 100 को कॉल किया और फिर पुलिस की टीम वहां पहुंचती है। पीएसी के बहादुर जवानों ने उन 11 के 11 लोगों को, जिनमें 5 बच्चे थे 6 महिलाएं थी, उन सबको सुरक्षित वहां से निकाल करके, आज आपके सामने देखा होगा कि जिस महिला ने सूचना दी उसको और उनके साथ एक पुरुष थे उनको हमने सम्मानित किया और पीएसी के उन जवानों को जिन्होंने अंधेरे में स्वयं की प्रवाह के बगैर उन 11 लोगों की जान बचाने में अपना योगदान किया, उन सबको भी हमने यहाँ पे भी प्रमाण पत्र दिया है और उन सभी जवानों को भी इस पूरे अभियान के साथ जुड़े हुए जो भी जवान थे उनको एक स्पेशल हम लोग इनाम भी देंगे। साथ साथ जिस महिला ने और उनके साथ जिस पुरुष ने इसको बचाने में योगदान दिया है उनके लिए भी नगद पुरस्कार की घोषणा हम अलग से उनको करेंगे। सरकार की पहले से ही व्यवस्था है, हम लोग जब 2017 में सरकार में आए थे तो हम लोगों ने एक व्यवस्था बनाई थी कि आपदा के कारण अगर कहीं कोई जनहानि होती है उस परिवार को तत्काल 4 लाख रुपए की सहायता प्राप्त हो जाए।
मानव वन्य जीव संघर्ष में अगर किसी कोई जनहानि होती है तो वहां पर भी 4 लाख की सहायता दे दी जाए। कहीं सर्पदंश से किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है, उस परिवार को भी सहायता के रूप में ये राशि उपलब्ध करा दी जाए। कहीं पर कोई आकाशीय बिजली से कोई किसान की, कोई बटाईदार की, किसान के परिवार के किसी सदस्य की असामयिक मृत्यु होती है, उसके परिवार को भी आपदा राहत कोष से तत्काल सहायता राशि या फिर कृषक दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत राशि उपलब्ध करवा करके उस परिवार को संबल प्रदान किया जाए। और आज यहाँ पर 4 ऐसे परिवार जिन्होंने अचानक आई बाढ़ के कारण अपने परिवारजनों को खोया है, उनको भी 4-4 लाख रुपए की सहायता यहाँ पर प्रदान की गई है। उन सभी पीड़ित परिवारों के प्रति मेरी संवेदना है, राज्य सरकार की पूरी संवेदना है, केंद्र सरकार की पूरी संवेदना है। बाढ़ बचाव के लिए सरकार के द्वारा प्रयास किए गए हैं, लेकिन जहां पर नदी की क्षमता केवल 30,000 क्यूसिक वाटर की को वहन करने की हो, अगर अचानक 3 लाख क्यूसिक वाटर उसमें आ जाए तो स्वाभाविक रूप से सारी तैयारियां धरी की धरी रह जाती है। और यही हुआ जब नेपाल के अंदर अत्यधिक बारिश हुई, उन्होंने अपने वहां के सभी रेगुलेटर और डैम के बांध के फाटक खोले, अचानक जल प्रवाह से सभी नदियां जल प्लावित हुई। केवल राप्ती नदी की स्थिति नहीं है, सरयू जी में भी काफी बड़े पैमाने पे बाढ़ आई। बड़े पैमाने पर हम लोगों ने शारदा नदी में भी देखा है, कल मैं पीलीभीत और लखीमपुर खीरी में भी था। सैकड़ों गांव इससे चपेट में आए हैं और वर्तमान में अगर हम देखेंगे तो 12 जनपद इस अतिवृष्टि के कारण बाढ़ की चपेट में आए हैं, जिनमें 33 तहसील हैं, 633 गांव हैं। इसमें कुल 17,97,000 की आबादी इसकी चपेट में आई है, जिसमें पशु भी प्रभावित हुए, 18,000 से अधिक पशु भी इस अचानक जल प्लावन के कारण, बाढ़ के कारण प्रभावित हुए हैं। 1,45,000 से अधिक कृषि भूमि भी इसकी चपेट में आई है। इसके लिए हम लोगों ने सभी गांवों में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पीएसी की फ्लड यूनिट और स्थानीय स्तर पर नौकाओं की व्यवस्था भी की है। एक व्यवस्था की गई है कि जगह जगह बाढ़ चौकियां स्थापित हों, जो समय समय पर सूचनाएं भी देते रहे। और इसके लिए पूरे प्रदेश भर में अगर आप देखेंगे तो 1,033 से अधिक बाढ़ चौकियां स्थापित की गई हैं, जिनके माध्यम से इन सभी 923 बाढ़ चौकियों की स्थापना की गई है। और जहां पे बाढ़ पीड़ितों को रखा जाना है, 1,033 ऐसे स्थल हैं जहां पे शरणालय बना करके बाढ़ पीड़ित के घर में पानी भर गया या उस किसी को रेस्क्यू करके लेके आना है तो उनके लिए भी ये व्यवस्था की गई है। इसके साथ साथ यहाँ पर उन सभी क्षेत्रों में अन्य तमाम प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध करवाने का कार्य हो रहा है। अगर हम लोग श्रावस्ती की बात करें तो श्रावस्ती में जो बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र हैं, 116 गांव पूरी तरह या आंशिक रूप से बाढ़ से प्रभावित हुए हैं, 15 गांवों में कटान की स्थिति है, 76,000 की आबादी इससे प्रभावित हुई है, 23,500 से अधिक कृषि भूमि बाढ़ की चपेट में आई है। यहाँ पर बचाव और राहत कार्य के लिए एनडीआरएफ, पीएसी के फ्लड यूनिट और एसडीआरएफ को भी लगाया गया है, जिसमें वे मोटर बोट के साथ में वहाँ पर अन्य बचाव के कार्य कर रहे हैं। नौकाओं की व्यवस्था भी की गई है। इसके साथ ही यहाँ पे 4 जनहानि जनपद में हुई है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर प्रदेश सरकार ने पहले से व्यवस्था की है कि जो भी व्यक्ति इन बाढ़ की चपेट में, या जो गांव मेरुंड होते हैं बाढ़ की चपेट में आते हैं,
उनके लिए राहत पैकेट की व्यवस्था, जिसमें से कुछ राहत पैकेट अभी आपके सामने हम लोगों ने वितरित किए हैं, जिसमें पहले पैकेट में 5 किलो लाई है, 2 किलो इसमें भुना चना है, 1 किलो गुड़ है, 10 पैकेट बिस्किट है, 1 माचिस की पैकेट है, 1 पैकेट मोमबत्ती है, नहाने के साबुन है, 20 लीटर का एक पानी के लिए जैरकिन है और तिरपाल भी उनमें प्रदान किया जा रहा है। दूसरे पैकेट में है 10 किलो आटा, 10 किलो चावल, 2 किलो अरहर की दाल, 10 किलो आलू, 2 हल्दी, मिर्च मसाला और 1 लीटर सरसों के तेल के साथ ही नमक आदि भी उसके साथ उन्हें उपलब्ध करवाने का कार्य सरकार के द्वारा आपदा राहत निधि से उन्हें उपलब्ध करवाने का कार्य किया जा रहा है। हमने प्रशासन को पहले ही कहा है कि हमें पूरे बरसात भर यानी अक्टूबर तक की व्यवस्था पहले से बना के रखनी होगी, क्योंकि इस बार औसत से अधिक बरसात होने की संभावना है। इसके लिए हमारी तैयारी होनी चाहिए, जिससे कोई भी व्यक्ति भूखा न रहने पाए। जहां शरणालय बनाए गए वहां भोजन की व्यवस्था हो, उस समय भोजन मिले इसकी व्यवस्था हम सुनिश्चित कर लें। जहां पर लोग गांव के अंदर सुरक्षित हैं लेकिन पानी से घिरा हुआ है, उन्हें हर 15-15 दिन में इतना राहत की सामग्री उपलब्ध करवाते रहें जिससे परिवार भरपेट भोजन पा करके आराम से अपने को वहाँ पर गाँव में सुरक्षित कर लें। नदी कटान की दिशा जो क्षेत्र हैं वहाँ पर जो भी तैयारी होनी है, बरसात के समय जल भराव के कारण एंटी स्नेक वेनम यानी सांप के काटने पर वैक्सीन देने के लिए, कुत्ता या किसी जानवर के काटने से रैबीज का खतरा होता है तो एंटी रैबीज के वैक्सीन भी उपलब्ध करवाने के लिए कहा गया है और सभी ऐसे CSC में उपलब्ध करवाने की तैयारी के साथ सरकार कार्य कर रही है। हर गांव में नौकाओं की व्यवस्था हो इसके लिए भी निर्देश दिए गए हैं। बचाव और राहत कार्य युद्ध स्तर पर होना चाहिए और समय पे राहत के कार्य सभी को प्राप्त होने चाहिए, इसके लिए सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। आज मैं श्रावस्ती और बलरामपुर जनपद के भ्रमण में इसीलिए आया हूँ, मैंने अभी उन परिवारों से भी मुलाकात की जो लोग सुरक्षित 6 और 7 जुलाई की रात्रि को PSC की फ्लड यूनिट के द्वारा निकाले गए, उन लोगों को सर्टिफिकेट भी यहाँ मुझे मैंने वितरित किया है। इसके अलावा राहत और बचाव के कार्य को युद्ध स्तर पर आगे बढ़ाने के लिए प्रशासन को निर्देशित किया गया है। जनप्रतिनिधिगण भी युद्ध स्तर पर बचाव राहत के कार्य से जुटे हुए हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि समयबद्ध तरीके से किए गए प्रयासों का परिणाम सामने आएगा और पीड़ित के गांवों पर मलहम लगाने में प्रशासन स्थानीय जनप्रतिनिधियों की मदद से सफल होगा। आज के इस अवसर पर एक बार फिर से सभी पीड़ितों के प्रति मेरी संवेदना है और मैं उन्हें इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि सरकार हर संकट में उनके साथ खड़ी होकर के उन्हें हर संभव मदद देगी। हम सब माँ पाटेश्वरी से ही प्रार्थना करते हैं कि वे इस क्षेत्र में इस प्रकार की आपदा से अस्थायी राहत देकर के यहाँ के लोगों को संबल प्रदान करें। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री। तो श्रावस्ती से आप सीएम योगी आदित्यनाथ को सुन रहे थे, जहां पर उन्होंने सबसे पहले हवाई सर्वेक्षण किया, क्योंकि देखिए श्रावस्ती की हालत इस वक्त चारों ओर से बाढ़ से श्रावस्ती की हालत इस वक्त बेहद ख़राब है और ऐसे में उन्होंने आज हवाई सर्वेक्षण किया और उसके साथ साथ ही आपको बता दें उन्होंने जो बाढ़ प्रभावित लोग थे उनसे मुलाकात की और साथ ही साथ हर संभव मदद का भी उन्होंने आश्वासन दिया। इसी के साथ राहत सामग्री भी उनकी तरफ से बांटी गई और कहा कि अगर किसी की
अचानक इस बाढ़ में मौत हो जाती है या किसी को भी किसी प्रकार का नुकसान होता है तो उसे तुरंत जो है आर्थिक मदद दी जाए, इस तरीके की तमाम बातें अभी उन्होंने अपने संबोधन में भी कही है। फिलहाल ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं श्रावस्ती से, जहां पर देखिए किस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ हवाई सर्वेक्षण कर रहे हैं और बारीकियों को जानने की कोशिश जो है की जा रही है। और देखिए किस तरीके से ये तस्वीरें सामने आ रही हैं श्रावस्ती में, आप देख सकते हैं लोगों की कमर तक पानी भरा हुआ है, लोगों के घर आधे डूब चुके हैं। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि क्या स्थिति इस वक्त बनी होगी। और श्रावस्ती में लगातार जो है ये बाढ़ की स्थिति बनी हुई है और खुद आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने श्रावस्ती में हवाई सर्वेक्षण किया है और चीज़ों को देखा है कि किस तरीके से इस वक्त श्रावस्ती के हालात बने हुए हैं।